डे 5 आज हम इनकम स्टेटमेंट को रीड करना सीखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट को समझा था, आज हम इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे। इनकम स्टेटमेंट कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कितनी अर्निंग करी और कितनी स्पेंड करी और ऑल ओवर प्रॉफिट कितना जनरेट किया। की कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू, इसका मतलब होता है कि एक कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया। एक्सपेंसेस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया। नेट इनकम, कंपनी ने टोटल पैसा कितना जनरेट किया उसमें से कंपनी के एक्सपेंसेस को हटा के जो अमाउंट बचती है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसको हम रिलायंस इंडस्ट्री की इनकम स्टेटमेंट के साथ समझते हैं। इसको मैं एनुअली देख रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रेवेन्यू है 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2023 तक इंक्रीज हुआ है, तो ये वो अमाउंट है जो कंपनी अपनी सेल्स से अर्न कर रही है। इसके बाद एक्सपेंसेस है जो कंपनी के खर्चे होते हैं लाइक रिसर्च डेवलपमेंट डेप्रिसिएशन एंड एक्सेट्रा, वो भी 2019 से 2023 तक इंक्रीज हो रहे हैं। कॉमन सी बात है, अगर किसी कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होगा तो उसके खर्चे भी इंक्रीज होंगे। इसके बाद आता है नेट इनकम, जो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हटा के जो अमाउंट रिमेनिंग होता है नेट इनकम मतलब प्रॉफिट होता है। रिलायंस इंडस्ट्री के केस में ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। कंपनी अपने एसेट्स को कैसे यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इसको रिटर्न ऑन एसेट्स कहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में ईयर ऑन ईयर रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपने एसेट्स पे अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वार्निंग, अगर कंपनी के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी नेट इनकम में आपको अचानक से ड्रॉप दिखता है तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट से आप कंपनी के हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल बेसिक्स को समझ के आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हो तो फील फ्री होकर कमेंट करिए। डे 6 में हम सीखेंगे कि कैश फ्लो को कैसे रीड किया जाता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।